कानपुर में लोगों ने पलायन की। ये चेतावनी बढ़ती गुंडागर्दी और दबंगों के खिलाफ उठी एक आवाज है। आरोप है कि दबंग बेटियों से छेड़खानी करते हैं और मना करने पर मारपीट करने को उतारू हो जाते हैं। हरक सिंह रावत और सत्येल सत्याल के बीच तेज हो रही जंग, अब रावत ने दी चुनौती। उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी के दो नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज। हरक सिंह रावत और कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सत्याल के एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं। बीजेपी और सपा ने घोषित किए चंदौली जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार, जारी है आरोप प्रत्यारोप का दौर। चंदौली में कुल 35 सदस्य हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के पास 14 और बीजेपी के पास 8 सदस्य हैं। इसी संख्या बल पर दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव को लेकर सपा और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। खुलासा उस वक्त का जब यूपी एटीएस ने धर्मांतरण केस में किया गिरफ्तार। उमर गौतम नाम के शख्स ने खुद कबूल किया है कि कैसे उसने लोगों का माइंड वॉश किया, कैसे उसने लोगों को धर्मांतरण के लिए राजी किया। जौनपुर के नगर निगम की लापरवाही आई सामने। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को चिढ़ा रही है। 1.4 करोड़ की लागत से कूड़ा ढोने के लिए लाई गई नई गाड़ियां बेकार खड़ी हैं। नगर निगम 4 महीनों से इन गाड़ियों के लिए चालक की व्यवस्था नहीं कर पाया। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटा कांग्रेस सेवा दल। प्रदेश अध्यक्ष बोले, सभी जिलों में सड़कों पर उतरेंगे। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि वर्तमान सरकार के कुशासन में जनता पीड़ित है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे ने कहा है कि हम यूपी के सभी जिलों में सड़कों पर उतरेंगे।